मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज हो रही है। इसको लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस ने अपना महापौर प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला के रूप में तय कर लिया है। वहीं पार्षद के नामों को लेकर उम्मीदवारी तय करना भी बाकी है। इसके लिए पार्षद पद के दावेदारों ने आयोजन में ढोल नगाड़ों के साथ दमखम दिखाया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, जब भी मुझे टिकट दिया मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा, भले पार्षद का हो या विधानसभा का हो। अब मुझे मेयर का टिकट दिया मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। इंदौर में 20 साल से जो हमारे मेयर रहे उन्होंने क्या करा आप भी जानते हैं। इंदौर शहर में ऐसी कोई योजना नहीं जिससे इंदौर शहर का नाम रोशन हो। जो काम होना चाहिए, जो गटर साफ होना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, उधर पार्षद और हर अधिकारी करता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेयर रहे उन्होंने इंदौर शहर के लिए कौन सा काम करा है। इंदौर के लिए वो शर्म वाली बात है कि इंदौर को 20 साल से लगातार जो भी मेयर बना है उसने बोला कि हम इंदौर की जो नदी है हमारी, जो नदी थी उसको हम नदी बनाएंगे वापस, जो नाला था। परंतु 20 साल में अरबों रुपया खर्चा होने के बाद भी 20 साल हो गए उस नदी को आज तक नहीं बना पाए, तो मतलब इसी कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। इंदौर नंबर वन हुआ है तो जनता ने करा है, वहाँ सफाई कर्मचारियों ने करा है, वो जनता ने उसका पैसा दिया है, उसके कारण हुआ है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो भी आप मेयर देखोगे एक भी 5 साल में कहीं नहीं दिखते और ना कोई काम करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा ना नगर निगम बैठते हैं, ना अपने घर बैठे रहते अधिकारी हैं, अपने घर बैठे रहते हैं, कोई कमी सरकार वहाँ बन बैठता आपकी कांग्रेस मेयर बनेगा तो मेयर भी ऑफिस में बैठेगा और जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं सब कर्मचारी ऑफिस में बैठेंगे और काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नाम घोषित करने को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से महापौर पद चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। वर्मा ने इस दौरान मंच से शहर के विकास कार्यों को रोकने के लिए भाजपा की नगर निकाय परिषद को जिम्मेदार ठहराया है और अपना हमला जारी रखा, जिसके बाद आगामी समय में हस्ताक्षर अभियान चलाकर भाजपा की पोल खोलने की बात कही है। मेरा प्रत्याशी कांग्रेस का बहुत ही मिलनसार, बहुत सूझबूझ वाला, इंदौर में उसकी एक अलग छवि है। बीजेपी को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, कांग्रेस ने बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, तब मैंने कहा भाई तुझे लड़ना तू भी आ जा, आज हाथ आजमा ले। बीजेपी को सुझाव दिया अगर तुम्हारे को नहीं मिल रहा उसको भेज दो भाई। उसके बाद भी संजय शुक्ला ही महापौर बने। नगर निगम नगर पालिका के चुनाव कई लोग संपर्क में आते हैं, पर मैं सोचता हूं कि इस बार पवित्र कांग्रेस के साथी को ही टिकट देना चाहिए, आयातीत व्यक्ति को दूर रख के। आज हम मध्य प्रदेश की सरकार को देखें तो 60% आयातीत, 70% कांग्रेस के लोग भरे हैं उसमें मंत्रिमंडल में। इस तरह की सरकार बनाने से फ़ायदा क्या? पवित्र कांग्रेस जो बरसों से, मैंने भी भाषण में कहा, 15-15 साल जिन लोगों ने लट टका है NSY यूथ कांग्रेस के साथियों ने, उनको क्यों ना टिकट दूँ। हारती हूँ कांग्रेस, कल हारती हूँ, आज हार जाए उसका गम नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड लाइन मजबूत करना हम जैसे नेताओं का धर्म है। संजय शुक्ला के अधिकृत नाम की घोषणा होने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर देखने को मिली। वहीं पार्षद पद के प्रत्याशियों में शुक्ला के व्यवहार को लेकर बड़ा सरल बताते हुए इंदौर में कांग्रेस का ही मेयर बनने की बात कही गई। देखिए, मैं मौका मुझे मिले चाहे नहीं मिले, मैं 15 नंबर वार्ड से टिकट की दावेदारी कर रही हूँ, मुझे मौका मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि संजू भैया जो आज संजय शुक्ला जी जो महापौर की उम्मीदवार हैं और उनको आज घोषित कर दिया गया कि यही हमारे महापौर बनेंगे, तो मैं पूरी कोशिश और पूरी ताकत से उनके लिए सपोर्ट में खड़ी रहूंगी और उनके लिए चाहूंगी कि भारी बहुमतों से हमारे संजय भैया महापौर बने। देखिए, मैं एक संस्था भी चलाती हूं और मैं उसकी अध्यक्ष हूं और विधि सेवा संकल्प टिमकल महिला उत्पीड़ित समिति मेरी संस्था का नाम है। आज मैंने जो पुस्तकें बांटी हैं वहाँ पूरी 15 नंबर वार्ड में, तो उन पुस्तकों से मुझे जगह जगह से फ़ोन आते हैं, महिलाओं के जो समस्या रहती हैं और महिलाएं इतनी लाचार इतनी परेशान हैं, उनकी समस्याएं हल करती हूं और मेरी बहनों के काम आती हूं। और दूसरा, उस 15 नंबर वार्ड में गंदगी, गटर नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, पानी की समस्या है, कई ऐसी समस्याएं हैं जो वहाँ हैं, उनको मैं
उनमें दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ। मैं वहाँ लगी हुई हूँ और मेरी टीम भी 15 नंबर वार्ड में लगी है और मैं चाहती हूँ कि एक बार मुझे 15 नंबर वार्ड से मौका दिया जाए ताकि मैं जीत के बताऊँ और अपने संजू भैया को महापौर बनाऊँ। इस आयोजन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो, जीतू पटवारी, भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, शशि यादव सहित बड़ी संख्या में पार्षद की उम्मीदवारी करने वाले नेता और कार्यकर्ता आयोजन में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स।